हेलो गाइस, टॉपिक तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि भाई बिना पढ़े आप लोग पास कैसे हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे अपन बातचीत करने वाले हैं कि क्या आप बिना पढ़े पास हो सकते हो। दोस्तों, आपसे एक बात पूछूं, आपकी अगर तबीयत खराब हो गई और आप एक ऐसे डॉक्टर के पास चले गए जो बिना पढ़े उसको डिग्री मिल गई, यानी बिना पढ़े वो पास हुआ, पास होने से उसको डिग्री मिल गई और अब आप उसके पास में जा रहे हो खुद की तबीयत सही करवाने, खुद का ट्रीटमेंट करवाने उस डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो आपका क्या होगा? जान लीजिए, आपको ही पता है होगा क्या। वो डॉक्टर फर्जी, उसके पास में डिग्री कौन सी है? फर्जी। अब वो आपका क्या ट्रीटमेंट करेगा? फर्जी ट्रीटमेंट करेगा। अब आपका क्या होगा? आप बिना जिए ही मर जाओगे। इसी को कहते हैं भाई, बिना जिए मर जाना, बिना पढ़े पास हो जाना। दोस्तों, आपको रियलिटी बताऊं, देखो आप लोग अगर सोच रहे हो कि भाई मैं बिना पढ़े पास हो जाऊं, तो ऐसे अगर इस दुनिया में अगर ऐसा होता पॉसिबल, ठीक है, हाँ कुछ लोग बाय लक हो भी जाते हैं लेकिन उसका नतीजा आगे जाके खराब ही रहता है, ठीक है। अब देखो भाई, संत आप मान लो कि अगर कोई इंजीनियर है, बिना पढ़े वो पास हो गया, इंजीनियर बन गया और उसने एक ब्रिज बना दिया, ब्रिज बना उसने, वो उसका जैसे इंजीनियर जाते हैं वैसे ही उसने वहां पर जो अप्रूवल कर दिया, ठीक है, और उसका नतीजा क्या होगा? आप लोग ही सोचिए, बिना पढ़े वो पास हुआ है तो वो कौन सा वहां पर कुछ भला कर देगा? वही होगा, कुछ टाइम बाद में ब्रिज टूट जाएगा तो उससे क्या होगा? हजारों लाखों लोगों का नुकसान ही होगा। तो क्लियर चीज है, अगर आप कुछ चीजें ऐसी सोच रहे हो कि भाई बिना पढ़े वो सब हो जाए, तो ये चीज नुकसानदायक ही है और पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1% कभी कभी कुछ लोग निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो भाई आप इसे छोड़ दो, अल्टरनेट आपके पास में और भी बहुत सारे काम होंगे, लेकिन वो सब करने से होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप लोग ये करोगे नहीं और वो आपको मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। काम तो आपको करना पड़ेगा तभी आपको फल मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप लोग बिना पढ़े बस पास होने में लगे हो, तो किस वजह से पास हो रहे हो? आपको डिग्री चाहिए, ठीक है, तो फर्जी खरीदो, तो फर्जी खरीदोगे तो वही होगा, उसका कोई मतलब तो होगा नहीं। तो अगर लाइफ में कुछ करना है तो भाई लोग ऐसे जो बेहूदा क्वेश्चंस, मैंने ये मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आया कहाँ से? मैं गूगल पर कुछ सर्च कर रहा था और वहां पर मुझे सजेशन में ये चीज मिली, तो भाई खुली बात है वो सजेशन इस वजह से क्योंकि लोग वहां पर ये चीज ढूंढते, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या हम बिना पढ़े पास हो सकते हैं। करना क्या है यार, छोड़ दो ना, ऐसे तो अच्छा वो लोग हैं जो कम से कम कुछ करते ही नहीं है। बिना पढ़े पास होना मतलब डिग्री मिलना, और डिग्री मिलना मतलब आप कुछ हो मतलब कुछ गलती करो, लेकिन आपको ऐसे ही कभी ट्यूशन भी मत करो और अपने माइंड के अंदर ऐसी चीज मत लेके आओ, ठीक है। अगर लाइफ में सफल होना है तो कुछ करना पड़ेगा और अभी से करने में लग जाओ, ठीक है ना। और भी कोई आपके मन में क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्शन में आपके सामने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, जाके फॉलो करके मैसेज डाल लेना, आप क्वेश्चन रिप्लाई दे दूंगा, आपके मन में जो भ्रम भ्रांतियां होगी उसका भी सॉल्यूशन करूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हुई होगी और आप अपनी लाइफ में यूज लेंगे, ऐसी बेहूदा चीजों से दूर जाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ आजमाएंगे, अपनी लाइफ को कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा सजेशन। इसके अलावा दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे वीडियो साथ, जय हिंद जय भारत।